हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो आज मैं बात करने वाली हूँ एक बड़ा अजीब सा टॉपिक, मतलब जिसका कोई टॉपिक बनना ही नहीं चाहिए था बेसिकली। जहाँ पे रणबीर कपूर ने अभी रिसेंटली आलिया भट्ट को कह दिया है कि बिकॉज यू आर फेल आउट फ्रॉम एवरीवेयर, लाइक व्हाट एवर। वेल, आई कैन सी समबडी इज फेल आउट जोक। बहुत लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि रणबीर कपूर इज वेरी इनसेंसिटिव एंड ऑल दैट। सो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल है। आई मीन लाइक गाइज, इट्स वेरी नॉर्मल। लाइक हमने इस चीज़ को इतना, पहली बात तो हम ही इस चीज़ को नेगेटिव बना रहे हैं। मैं इस बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यू विल पुट ऑन वेट, ओके, एंड इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ हेल्दी एंड इट इज़ गुड। एंड जहाँ पे अगर आपका हस्बैंड अगर आपको प्यार से अगर कभी बुला ले, यू लुकिंग सो क्यूट माई गोलू या माई गोलू या यू नो कि हर जगह से हाँ आई नो यू आर लाइक फेल आउट फ्रॉम एवरीवेयर, इतना प्यार से कोई बोल दे, इसमें कोई रॉन्ग क्या है? एक्चुअली हम ही ये रॉन्ग बता रहे हैं। ये जिन जिन लोगों ने ट्रोल किया है इस चीज़ को, तो मुझे ये लगता है कि आप खुद ही ट्रोल करके ये बता रहे हो कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप मोटे हो जाते हो या आपका वेट बढ़ जाता है तो इट इज़ अ नेगेटिव थिंग। आई मीन ये चीज़ों को नेगेटिव हम ही तो बता रहे हैं, लाइक पीपल हु आर ट्रोलिंग हमसे। मेरा ये मतलब है कि अरे यार, उसने उसको ना प्रेगनेंसी के दौरान मोटा बोल दिया या गोलू बोल दिया या चौबी कर दिया ऐसे कि अरे तू तो हर जगह से गोलू गोलू या फेल आउट फ्रॉम एवरीवेयर। तो ये तो हम ही बोल रहे हैं कि प्रेगनेंट, मतलब अगर जिसने ऐसा बोला ये रॉन्ग है, ये नेगेटिव जा रहा है, ये इनसेंसिटिव है। ये इनसेंसिटिव कैसे हुआ? हाउ कैन यू से दैट दिस इज इनसेंसिटिव? मतलब मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया मैं कि ये चीज़ का इतना बड़ा इशू कैसे बन गया। और बहुत लोगों का ये भी कहना है कि चलो ठीक है, मैं इस चीज़ को समझती हूँ। देर आर सम लेडीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान जब अगर मोटे हो जाते हो तो उनको बहुत शायद उनको अच्छा नहीं लगता कोई अगर उनको, यार मोटा उसने पहली बात तो ऐसे बोला ही नहीं कि यार तो कितनी मोटी लग रही है, लाइक आई मीन इट इज़ सो अंडरस्टूड, प्यार है, मस्ती में बोला है, वो हम सबको दिख रहा है। बहुत लोगों को लगता है कि नेशनल टेलीविजन पे या टीवी पे आपको ये सारे स्टेटमेंट नहीं बोलने चाहिए बिकॉज ये लोगों को जस्ट बिकॉज यू आर अ फेस, यू आर अ सेलिब्रिटी एंड आप ऐसे बोलते हो तो आप यू नो इट्स रॉन्ग, यू शुड बी वेरी केयरफुल। बट यार हम ही लोग हैं जो हम बोलते हैं कि आप कैमरा के सामने कितने इतने फेक क्यों हो जाते हो, वाई कैन नॉट यू बी सो रियल, राइट? वी ओनली से दैट। तो जब ये लोग रियल होके बात करते हैं तब भी हमें प्रॉब्लम होती है, लाइक कम ऑन। आई मीन लाइक मतलब ये चीज़ तो मुझे बहुत ही, सॉरी मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, मतलब मुझे लगता है कि आई फील कि रणबीर कपूर ने जो भी स्टेटमेंट वो दिया है विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, इसको हमने इतना इम्पोर्टेंस इतना ज़बरदस्ती का ट्रोल कर दिया है, ओके। सेकेंड, एक और वो वीडियो आया था जहाँ पे आलिया उस जिस ऐसा दिखाया कि लाइक शी इज़ लाइक यू नो स्क्रैचिंग हर बम एंड लाइक ऐसे कुछ कर रही है। आई मीन यार, या शी इज़ अगेन, यू गाइज आर बीइंग सो इनसेंसिटिव। आई मीन वो बैठी है, अगर आई मीन मे बी उसका वो कैमरा में शायद विजुअल ऐसा आया होगा, ओके, एंड इट कैन बी लाइक यू नो कि इसका जो कभी टॉप अटक जाता है चेयर पे या यू नो यू वांट टू पिक समथिंग फ्रॉम बैक साइड से, नाउ आई एम सिटिंग, इफ आई वांट, आई एम, इट डज दैट मीन आई एम स्क्रैचिंग माय बम, लाइक सीरियसली? सो इट कैन बी लाइक दिस एंड देन लाइक कितने बार हम बात करते करते, आई ऑल्सो डू दैट, वी डू दैट, ओके, बट यार आई मीन इस चीज़ का इतना क्यों, मतलब ठीक है, मतलब वी आर बीइंग इनसेंसिटिव, पीपल हु आर ट्रोलिंग हर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन शी इज प्रेग्नेंट कि व्हाट शी इज डूइंग एंड बहुत अजीब अजीब वाहियात कमेंट्स आए हैं उस बात पे भी। तो कहीं ना कहीं आप खुद ही एक प्रेग्नेंट, मतलब क्या है, मतलब सो एनीवेज फिलहाल तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर वेट गेन होता है तो वो अच्छी चीज़ है, ये हम सब जानते हैं। और वेट गेन वाली बात को बुरा ही हम ही बना रहे हैं ये बोलकर कि यार उसने उसको वेट, हाँ अगर कोई ऐसे बोलता कि यार ये कितनी तू कितनी मोटी क्यों हो गई, डू समथिंग अबाउट योरसेल्फ, दैट इज रॉन्ग, ओके। एंड ये बोलना कि यार प्रेगनेंसी के दौरान हस्बैंड अपनी वाइफ को जनरली बोल दे कि यार कितनी क्यूट ही गोलू पोलू, हाँ बिकॉज यू आर फेल आउट फ्रॉम एवरीवेयर, लाइक फन वे में, इट इज एब्सोल्युटली फाइन,
लाइक हमें इसको नॉर्मल बनाना है, लाइक इस चीज को जबरदस्ती का क्यों यार इशू बना रहे हैं. सो आई थिंक ये बहुत ही बकवास वाली ट्रोलिंग की गई है. ठीक है, जिन लोगों ने इन लोगों को ट्रोल किया है इस टॉपिक को लेकर कि इसने अपनी वाइफ को ऐसा क्यों बोल दिया है, आप खुद ही इस बात को इतना बड़ा और इनसेंसिटिव आप ही बन रहे हो टू ऑल द प्रेग्नेंट लेडी. जो लेडीज अभी प्रेग्नेंट हैं एंड दे मस्ट हैव डेफिनेटली पुट ऑन वेट विच इज अ गुड थिंग, एंड उन लोगों को खुद ही बुरा फील करा रहे हो ये बताकर कि प्रेगनेंसी में अगर आप थोड़े से मोटे हो गए हो तो इट इज नॉट अ गुड थिंग. बिकॉज अगर अच्छी चीज होती तो वो ट्रोल ही नहीं होता. उसने फेल आउट बोल दिया तो वो ट्रोल हो गया. बिकॉज यू योरसेल्फ इज सेइंग कि ट्रोल ये इसीलिए बिकॉज वो मोटा बोला है या फेल आउट बोला है, दैट इज व्हाई वो यू नो इट्स ही इज इनसेंसिटिव. सो प्लीज प्लीज मतलब लेट्स स्टॉप दिस काइंड ऑफ ट्रोलिंग लाइक आई वुड से. सो दैट्स इट. तो मैं यही बोलना चाहूंगी. एंड pregnancy is a beautiful journey, I would say. Definitely I've gone through, like I have been through it, like you know, so I know like how it feels. It is a beautiful journey and har kisi ki journey alag hoti hai, kisi ko kaise feelings aati hai, sabki feelings alag alag hoti hai. So theek hai, wo to hum dusre topic pe uske bare mein baat karenge. To aaj mujhe laga tha ye main baatein bolu, mujhe kab se aisi wali feeling aa rahi thi ki yaar ye wrong hai, matlab is tarike se troll karna, mera dil hi nahi maan raha tha. So in fact ek aaj jagah pe to maine kafi मतलब प्रॉपरली आई कमेंट ऑल्सो कि नहीं यार लाइक आई मीन इट इज नॉर्मल, वी पीपल टॉक लाइक दैट, इट इज एब्सोल्युटली फाइन. या सो लेट्स खुद ही हम इन चीज़ों को नॉर्मल बना दें कि इट्स ओके थैंक यू. उसके पहले थैंक यू बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरी बातें या मेरा टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता हो सो या कुछ भी, अगर आपको मेरे बारे में, बेसिकली मैं ये वीडियोस इसलिए बनाती हूँ कि मैं आपको अपने थॉट्स, अपनी जो मुझे लगता है, जो मैं सोचती हूँ उसके बारे में आपसे बात कर सकूँ, आपको बता सकूँ, अपनी राय दे सकूँ. एंड अगर आपको लगता है कि कभी किसी भी टॉपिक पे मुझे बनाना चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो. या एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.